हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इमेज मिनी बार में आपको ट्रैप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम कंट्रोल ओ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसे मैंने ये इमेज शो करी इस तरीके से, अब हम क्या करते हैं, जैसे ट्रैप अभी ओपन नहीं है, ओपन करने के लिए मोड में जाना पड़ेगा। हम करते हैं यहाँ सी एम वाई के कलर मोड। मैंने एक सी एम वाई के कलर मोड में इसको चेंज किया तो ये ट्रैप ओपन हो गया। जब मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ इसमें इसमें शो किया 10 पॉइंट, जैसे 10 पॉइंट पिक्सल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ तो इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा पहले लाइट थी, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आया है इस तरीके से। तो ऐसे इफेक्ट देने के लिए हम ट्रैप यूज़ करते हैं। इसका यूज होता है जैसे पेंटिंग वर्क में जो फ्रंट पेज होता है हमारा या बैक पेज होता है किसी मैगजीन का, तो उसमें डमी चढ़ाई जाती है, जैसे एक पन्नी चढ़ाई जाती है, तो उस वो पन्नी इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे कि वो जो उसके अंदर का जो डिजाइन है वो थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दे। तो वो जो पन्नी होती है तो इस तरह का इफेक्ट हम इसलिए देते हैं, जैसे जो लाइट था वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था तो ट्रैप हमने यूज़ किया तो थोड़ा सा क्लियर आया, तो वो अच्छा दिखाई दे देखने के लिए। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये अलग अलग इफेक्ट है हमारे, तो हम सबसे पहले करते हैं जैसे डबल क्लिक, मैंने कोई न्यू पेज लेना है, जैसे वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ कोई वॉलपेपर लिया तो काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, मैं कोई भी वॉलपेपर शो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। जैसे मैंने इस तरह का कोई वॉलपेपर लिया। अब मुझे नहीं पता इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये इसमें इसकी क्वालिटी कितनी है, कितने रेगुलेशन है, कितने पिक्सल से बन के आया है। तो मैं सबसे पहले इमेज में गया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ कि कम से कम इसमें 1000 या 2000 पिक्सल्स तो होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से इसमें 2000 पिक्सल शो करे, ओके करता हूँ तो जैसे ये 2000 पिक्सल शो हो गए। इसमें इमेज में गए, इमेज में जाने के बाद ये कहता है कस्टम कि आपने कस्टम ले रखा है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। तो जब मैं इसमें यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मैंने किया इसमें कि जैसे पिक्सल्स की कितने पिक्सल्स थे, तो मैंने यहाँ उसमें यहाँ लिखा था 2000, तो मैंने यहाँ इस तरीके से 2000 शो किया। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, क्या फ़ॉन्ट का साइज़ आपको रखना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ बॉटम है, टॉप है कि मुझे एक लाइन बॉटम पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, तो आप कहाँ देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया कि मुझे ये बॉटम पे चाहिए और मुझे ब्लैक या वाइट कौन सी कलर की चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ मुझे ब्लैक चाहिए क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा पहले से वाइट कलर है आपका, ओके करता हूँ तो ये मना कर रहा है, ये कह रहा है ओनली ये 1 पिक्सल्स का है आपका, तो ये जो ये हमारी जो इमेज है वो 1 पिक्सल्स की है, ओके करता हूँ तो यहाँ एक लाइन आएगी इस तरीके से। जब मैं इसको कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये हमें करके दिखा रहा है कि ये 1 पिक्सल्स का है आपका, तो ये बहुत छोटे उसमें दिखाई दे रहा है आपका टेक्स्ट, जैसे इस तरीके से ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपका। तो ये जो इमेज है हमारी कितने पिक्सल्स में थी उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डिफ़ॉल्ट कस्टम कि हमें किस तरीके से लेना है, डिफ़ॉल्ट में वो अपने हिसाब से बताता और कस्टम से हमें हम अपने तरीके से देख ये पूछना चाह रहे थे कि इसमें कितने पिक्सल्स हैं, ये कितनी क्वालिटी के हिसाब से बन के आई है पिक्चर। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये मैंने आपको बताया था, अब ये वाला ऑप्शंस, ये हमारा यूज़ होता है माइक्रोफोन, अगर आपके पास हेडफोन जैसा होता है इस तरीके से माइक्रोफोन है आपके पास, तो आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं आवाज़ और ये देख सकते हैं कि अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपनी इमेज है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने किया इसमें कंट्रोल जे किया डुप्लीकेट, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी। अब इसके बाद एडिट इमेज में गया, इमेज में जाने के बाद ये कमांड शो हो जाएगी, पहले ये शो नहीं हो रही थी तो आप दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले आप करेंगे कंट्रोल ओ ओपन, कोई भी इमेज लेके आएंगे, कंट्रोल जे करेंगे, फिर मैंने किया इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल सी नहीं भी करते हैं तो कभी कभार ये ले लेता है इस तरीके से, तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ इस तरीके से इसकी वैल्यू शो कर रहा है कि हमने कौन कौन सी, ये मेरी बैकग्राउंड है, ये मेरी लेयर्स है, तो जो मेरी लेयर्स है वो यहाँ सिलेक्ट रखी है उसने, तो उसकी विड्थ हाइट उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए ये रिकॉर्ड करके बता रहा है कि आप कौन सी इमेज ले रहे हैं, कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे
कि इमेज में गए, मैंने यहाँ जाके आपको बताया था रूलर, तो जैसे रूलर पे क्लिक करता हूँ, ये जब टूल्स चले थे तो रूलर के बारे में बताया था आपको, वो चीज़ ये यहाँ से शो करता है। काउंट पे क्लिक करता हूँ, ये काउंट के लिए भी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में टूल्स चले थे तो मैंने यहाँ काउंट के बारे में बताया था आपको, वो चीज़ आप यहाँ से लो या वहाँ से बात देखिए आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।